इंदौर के माँ कमला विद्या विहार यानी MKVV स्कूल का एनुअल डे फंक्शन उड़ान एक नई सोच आयोजित किया गया। बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए ये वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम तय किया गया। इस बार भगवान श्री राम की थीम पर सारी प्रस्तुतियां हुई, जिसमें बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। TV एक्टर और तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम तन्मय विकारिया यानी बागा भाई मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। वार्षिक उत्सव को देखने बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे। बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में MKVV स्कूल का वार्षिकोत्सव उड़ान एक नई सोच आयोजित किया गया। इस एनुअल डे में भगवान श्री राम की थीम पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम डांस प्रस्तुत किए गए। स्कूल की विभिन्न कक्षाओं के बच्चों ने अलग अलग नृत्य गायन एवं नाटकों की प्रस्तुति दी। रंग बिरंगे परिधानों में सजे बच्चों ने अपनी प्रस्तुति से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। छात्रों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वार्षिकोत्सव में TV एक्टर तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम तन्मय विकारिया उर्फ बागा भाई मुख्य अतिथि थे। वहीं भाजपा नेता गोविंद मालू, दीपक जैनटीनू, देवकी नंदन तिवारी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बागा भाई ने भी यहां अपने किरदार की प्रस्तुति से उपस्थित बच्चों और उनके अभिभावकों का मनोरंजन किया। और आज वाकई मुझे यहां आकर बहुत मजा आ गया। जितने बच्चे यहाँ हैं सबको देख के मुझे टप्पू सेना की बहुत याद आ गई। लेकिन ये सारे बच्चे भी टप्पू सेना की तरह बहुत ही बदमाशी करते होंगे। और विपिन जी, आपके स्कूल में भी एक आध भिड़े भाई तो होंगे ही। नहीं, मतलब क्या है, बच्चों को शिक्षा देने के लिए अच्छे शिक्षक का होना बहुत जरूरी होता है। वैसे आपका इंदौर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं तो विपिन जी से कह रहा था क्यों ना हमें स्पॉन्सर करे तो मैं और मट्टू काका यहाँ पे चाचा भतीजा इलेक्ट्रॉनिक्स चालू कर दे। बहुत अच्छा लगा आज उड़ान एक नई सोच 17th एनुअल फंक्शन ऑफ द MKVV कॉलेज स्कूल इंदौर। और मैं खास शुक्रिया करना चाहूँगा विपिन तिवारी जी का मुझे इनवाइट करने के लिए, और साथ ही मयूर जी का और ऋषि जी का जिन्होंने मुझे इनके साथ कोऑर्डिनेट करके मुझे इस फंक्शन में बुलाया। और वाकई अच्छा लगा, बच्चों के परफॉर्मेंसेस देखे मैंने एंड व्हाट नॉट, आई मीन अमेजिंग परफॉर्मेंसेस। एंड एवरी फील्ड में जितने हमने अवार्ड्स दिए, मेड बी फॉर कराटे, बॉक्सिंग, स्टेट लेवल, तो वाकई बहुत अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव वातावरण रहा आज का। सर, इस बार जो मेन थीम है हमारी, जैसे कि आपको मालूम है कि 22 जनवरी श्री राम जी वापस अपने लोक में पधारने जा रहे हैं, तो हमने उसी थीम को सभी के सामने रिप्रेजेंट किया है। अभी उसमें जैसा कि हमारी जो हमने एक गाना बहुत ज़्यादा प्रचलित है, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, तो उसी थीम को लेकर हम सभी ने हमारे विद्यालय को भी एक झोपड़ी नुमा बनाकर हमने कहा है कि आज हमारे स्कूल में भी श्री राम जी आएंगे। उसी के तर्ज पे हमने एक परफॉर्मेंस बच्चों के साथ यहाँ पर करवाई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सर तन्मय सर बॉम्बे से सभी काम छोड़कर हमारे विद्यालय के लिए यहाँ पर आए हैं, तो मैं हमारे तन्मय सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाला और बच्चों के लिए आकर बच्चों को मोटिवेशन स्पीच दी। हमारे स्कूल का हमने एक नया करिकुलम स्टार्ट किया है कि जो बच्चे हमारे वहाँ पर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल लेके आते हैं, हमने उनकी फ़ीस, जो गोल्ड मेडल लेके आएगा उनकी फ़ीस हमने पूर्ण रूप से माफ़ कर दी है। अगर कोई सिल्वर मेडल लेके आएगा तो 2 इंस्टॉलमेंट, एंड अगर कोई ब्रॉन्ज मेडल लेके आएगा तो सिर्फ सिंगल 1 इंस्टॉलमेंट हम उनकी माफ़ कर देते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिशन की भावना पैदा होती है स्टूडेंट्स में, और वो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी प्रेफर करते हैं। ये वैरायटी काबिल हुसैन, लक्ष्य देवाल, दिशा पाटिल और जिज्ञासु भोजन। आदित्य राठौर, गायत्री यादव को बनाना होगा।
जिसके के बाद कनिष्ठ घोटे इन्होंने मयूरी भाटी को बुलाना चाहूँगा, प्रिया पांडे को बुलाना चाहूँगा। दरअसल इस वर्ष स्कूल का 17वां एनुअल डे फंक्शन था और इसमें बच्चों और स्कूल स्टाफ में खासा उत्साह दिखा। वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में अभिभावक भी पहुंचे थे।